यीशु वापस आउण। 2030 साल में सभी जगह में ज्यादा से ज्यादा लोग मसीह यीशु के बारे में सुसमाचार सुनना ची और कलीसिया बढ़ते जानी। यीशु के वचन दीन तो ही वह संसार नाश होते ही वापिस आलो। वह अजू वापिस नहीं आई, फिर वह अपने वचन के पूरे आलो। जबकि हम यीशु का वापिस आने की जागिया परमेश्वर मौन ची कि हमारा जीवन पवित्र और ते को आदर कनवा होना चाहिए और ते युवा इच्छा ची कि हम ते राज्य के बारे में होरन के बताऊँ। जब यीशु पृथ्वी पर रौन थो तब ये तेल बुली म्या चालन। जब संसार सारे लोगन में परमेश्वर राज्य को सुसमाचार प्रचार के लिए आलत अंत ए जालू। सख्त जाति ने अजू तक यीशु बारे में नहीं सुनी। यीशु स्वर्ग वापिस जाने से पहले मसीन में तन लोगन के सुसमाचार सुनाने की बुली जाने अजू ब नहीं सुनी। तेल बुली जावा और सब जाति ने लोगन के चाल बनाओ और लौन के क्योत पाकिगा। यीशु लिप बुली वे बे मन का दास अपने मालिक से ठुल नहीं होन। ये संसारा भल भला लोग मस बैर के रे म्या बांसी तुम के बस सताल और मारी बदियाल। ये संसार में तुम पीड़ा साल पर करड़ मान किले की मैल शैतान के हरे दिल जो ये संसार पर राज कंत हो। ईवान तुम आखिर तक म्या भरवासो लेख बोने रहो तो परमेश्वर तुमको बचा लो। यीशु ने अपने चालन के भी बिगौना तेली और कथा सुनाए कि जब संसार नाश होल तो मनखना की होल। तेल बोले वे मनखल अपने बाड़ में भल बीज बोती। जब वह सीयत हो तो ते बेरिल एक है क्यों बीज न बिचन बण बीज बोत के वह ताक बहिट्यूत हो। जब तन में गुआबा भाई तो दासल तब मन के बोले तेन तो अपने बाड़ में किमाले बीज बोती थो फिर वह बण बीज कद बाए ता तो मनखल जवाब दीन कि तुम यहाँ बेरे न बूत सौकुन जो कुए म्या बेरी ची जेल अणु केरी। तन दासल ने अपन गुस्से के पूछी कि हमन का ये बोना बोटन का उपाड़ दौन चेन तो तना गुसेल बोले न तुम इमणु करला तो तुम ग्यों कब उपाड़ जाल लौन तक जागे रहो तब तुम बोना बोटना पुआ बनाओ जैसे हम तय के जगह सौंको और तुम ग्यों का म्या भनार में ली के आया। चाल नली कथा मत बल ने बिंग इबान तनल ईसु में अपनों का बिंगोड़ के बिनती केरी। यीशु बोली भल बीज बूतण वा मन का मसीह ची जो संसार ची और भल बीज परमेश्वर राज्य का लोगन ची। बण बीज दुष्ट शैतान लोग ची और जब मनखल बण बीज बूतियों थोए वो बैरी शैतान ची। लौन संसार आखिरी समय ची और लौन वा परमेश्वर स्वर्गदूत ची। जब संसार को अंत होल तो स्वर्गदूत तन सब शैतान लोगन के यो ठुल्लु जोगुन अगुड़ में फरके दियाला ताक्सी लोग छक पिड़ल सोला और दांत की टिकेर वाला। पर जो लोग धर्मी ची जनल यीशु का बतियों बात तक माने सीता परमेश्वर बाबा के राज्य में गाम ज चक म्याला। यीशु लिपे पुएली कि वह संसार अंत होने से पहले पृथ्वी पर वापिस आल ता वह तस्सी वापस आलो। जमणु के वह स्वर्ग गोय वह आकाश में बादवन पर सवार हुई के जब यीशु वापिस आलो तो जुबा मसीह लोगन मौर्या था ऐसी जूने हुई जाला और तसे आकाश में बिटियाला। तब जो मसीह जून ची तन के आकाश में लिजियोल और सी तन मौर्या में बजूने हुई हैं हैक्का मसीन दगड़ कट्ठ हुई जाल। ते बाद यीशु अपने लोगों ने दगड़ रोल और तन में सद्दक शांति होल। यीशु तपार भरवास कौन व सप्पे मनखन के मुकुट दौना प्रतिज्ञा कह रही ची और सी सद्य परमेश्वर दगड़ हर चीज पर शासन करल तन में सिद्ध शांति हुई ली। पर परमेश्वर तन सब ने न्याय कर लो जो यीशु पर भरोसा नहीं करना वह तन के नरक में घाल दियोल ताक से पीड़ल दांत की टिकेर वाला कभी भी नैनी मण वा आगुड़ में जोगना रोला और कीड़न तन के खाते राला। जब यीशु वापिस आलू तो वह शैतान कर ते राज्य के उस टेके तेके पर नरक में घाल दियोल और ताक शैतान तन सब बंद अगर सद्य का जोगना रोल जो परमेश्वर बत्ता नहीं मान के शैतान पिन्ने हिटना रान थाए। किले के आदम और हव्वल भी परमेश्वर आज्ञा नहीं मानी के ये संसार में पाप लेके आई ताप परमेश्वर संसार का शराब दीन और तके उस चौना ठहरी। पर यो दिन परमेश्वर नौलू स्वर्ग और नौल पृथ्वी के रंचुल जो सिद्ध होलू। यीशु द ते लोगन नौली पृथ्वी पर रौला सी सद्य सब चीजन पर शासन करल व लोगना आखन ब आंसू पूछी दियोल ताप कुए ब पीड़ा और दुख में नहीं रहा सिर वाला ने बीमार बने वाला ना मोरल ताक कुछ भी बुरु नहीं होल। यीशु अपने राज्य पर न्याय द शांति से राज कर लो और वह सद्य अपनो लोगन दगड़ रोल
मत्ती अध्याय 24:14, 28:18, यूहन्ना 15:20, 16:33। प्रकाशित वाक्य 2:10, मत्ती 13:24-30, 36-42:1, थिस्सलुनीकियों 4:13-5, 11, याकूब 12, मत्ती 22:13। प्रकाशित वाक्य 20:10-21, 1-22, 21 बाइबल योकता।